हाय वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है वन एंड ओनली जेसिका मिश्रा। दिन की शुरुआत हो चुकी है और बहुत ज़्यादा मस्त वाली शुरुआत हुई है कि इतनी मस्त वाली हुई है कि पूरा रूम मेसअप है और हम लोग सुबह सुबह देख रहे हैं व्लॉग्स क्योंकि बहुत नींद वाला माहौल है भाई। अभी मेरे पूरे अंदर नींद वाला माहौल ठूसा पड़ा है और मेरे घर के बाहर से आवाज़ आ रही है दूसरे व्लॉगर की, काहे करे भैया जिंदगी ऐसी है क्या बोलें। चलो मैं अब आपको कुछ दिखाती हूँ। हो ये कौन आया, स्केच कर रही हो? अरे भाई ये तो बेटा बढ़िया चीज मिल गई तुम्हें, आगे करते हो ये तो कहीं नहीं। मैं कह रहा हूँ बढ़िया चीज मिल गई है घर में, बन हो रहा है। नहीं हमारे मजे हैं भैया, तुम तो स्केट्स करना सीख गई। हाँ गिरती नहीं हो? नहीं। मजा आता है? सही है। चलो एक बार बाबा पता है ऐसे उल्टा करके ले जा रहे थे नीचे। किसको? मुझे। क्यों? क्योंकि अगर मैं ऐसे आती तो मैं उतर पाता। सीढ़ियों से मत उतरा कर, पिछवाड़ा टूटेगा बड़ी बुरी तरह। नी गार्ड तक तो सही है, पीछे तो कोई गार्ड भी नहीं है, वो तो बाबा जी ने अपने आप ही गार्ड दिया। अपनी गिरती ना तू। अरे सीढ़ियों से क्यों उतरने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल सीढ़ी से नहीं जाने, बिल्कुल भी नहीं। कभी कभी ऐसे बैठ के भी नहीं। नहीं ये रिस्क लेना नहीं, सर फूट जाता है। तो बेटा वो भी उनको भी मत बोलो, वो इतने भारी को उठाएंगे हाँ। तो सही नहीं है ना, वो भी गिर सकते हैं ना, वो भी गिर सकते हैं। मत करो ऐसे, बिल्कुल भी रिस्क मत लो। मैं तो बाबा को मना ही कर। बहुत बढ़िया। तो गाइस दिन की शुरुआत कर ली है, चाय वाय सब पी ली गई है, बच्चों का दूध रखा हुआ है। ओए जाने दूध पी अपना। तो बाकी तो सब कर लिया, थोड़ा ना नींद सा लग रहा है। बेटा पी लो दूध, पियो। नहीं पिएगी आज के बाद तो तेरी कोई बात मानूंगी नहीं, देख लियो। नहीं पियो, नहीं पिएगी ना, तो आज से सिर्फ अहान ही मम्मा का बेबी है। आज से सिर्फ अहान मम्मा का बेबी है। है अहान, तू मम्मा का बेबी है ना? हाँ बस तू ही अच्छा, तो तू थोड़ा सा पी ले दूध। और जैनेट तो गाइस अभी फिलहाल हम लोग निकल रहे हैं और आज तो कत्ते ही लेट है, बहुत ज्यादा लेट है भाई। ये आई कार्ड किसका गिरा हुआ है? हैं जल्दी लेट हो जाओगी, फटाफट आओ। क्या हो गया आज तो पापा आ गई बाबा के साथ, टाइमिंग चेंज। क्या हुआ आज, कल्पी हुई क्यों लग रही हो? हैं क्या हुआ, मजा आया? नहीं आया, गर्मी लगी बेटे। गर्मी लगी तो मजा क्यों नहीं आया? ऐसे कैसे हो? तो गाइस हम लोग घर पे तो आ चुके थे, आने के बाद हम लोगों ने टीवी भी देख लिया, मैं तो सो गई थी एक घंटा मस्त सोई। और ये देखो जैनेट बैठी हुई। ए जुनूड़ी क्या देखा, ये आ गई घर पे, इसका टाइम पूरा चेंज हो गया और इसको लेकर आए हैं इसके बाबा। और अब फिर अब हम निकल रहे हैं अहान को लेने के लिए। भाई हमारी तो रेट बाबा नहीं लाए, कितनी कितनी झूठी है बेटा। झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती, गंदी आदत है झूठ बोलना। यू लाइंग, इसी बंद करो। यस यू लाइंग झूठली। तो अब हम जा रहे हैं अहान को लेके आएंगे, इसी बंद कर लिया जाए। जा बाहर जा। चलो फिलहाल निकलते हैं, चप्पल चेंज कर ली जाए क्योंकि जैनेट के एग्जाम चालू हो गए हैं और इस चक्कर में उसका चेंज। लिपस्टिक दिखा रही हूँ अपनी। चलो चले तू सामी सामी चुकेता है, बीवी तेरी हो लगता है सामे। ये आजकल बड़ा बिजी चल रहा है, जब देखो फोन में घुसा रहा था। जल्दी
हो तो फाइनली हम लोग गाड़ी में आके बैठ के निकल चुके हैं और बहुत आगे तक आ गए। ऐसे आपको सोचा कुछ बता दिया जाए तो मुंबई में है आज शिवाजी जयंती। सो मुंबई में सेलिब्रेट हो रही है शिवाजी जयंती, शिवाजी महाराज की आज जयंती है। आप सबको हमारी तरफ से शिवाजी जयंती की ढेरों शुभकामनाएं। ये बहुत ही पावन दिन है महाराष्ट्रियंस का, तो मतलब क्या ही बताएं, मतलब अति प्रिय महोत्सव है। तो हमारी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं आप सबको। पूरा मुंबई अच्छे से सजा हुआ, इतना ब्यूटीफुल सजाया है आज इस महोत्सव में। आप जहाँ पर भी देख रहे हैं ना, तो वहाँ पे शिवाजी जी के बहुत अच्छे अच्छे भव्य समारोह हो रहे हैं रस्ते भर में। बीच में एक एक आधी झलकियाँ तो मैं भी आपको दिखा दूंगी। तो फिलहाल चलते हैं, अहान को लेके आते हैं। और आज अहान खुश हो जाएगा कि अकेले आ रहा है, किसी से झगड़ा नहीं है। तो इतना झगड़ते ना दोनों आपस में बैठ के। तो देखिए जैनट घर पे रही है, घर वो नहीं आई, घर पे रही है नहीं, मतलब घर पे है जैनट। और अभी अभी आई थी तो अभी हम निकल गए। तो चलो वाहन को लेके आके फिर घर जाएंगे। और गाइस अभी बच्चों की छुट्टियां पड़ने वाली है, तो हम थिंकिंग कुछ नया करने के लिए मेरे चैनल पे, और इनका तो पता नहीं, अगर ये भी अपने चैनल पे कुछ ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। एंड आई एम थिंकिंग टू वेयर साड़ी। मैं साड़ी पहनने का सोच रही हूँ। मैं पहले बहुत साड़ी पहनती थी ओकेजनली, पर पहनती थी मतलब आज से 10 साल पहले। तो मैं अपने चैनल पे ऐसा कैसे करूंगा? तुझे सुना क्या साड़ी पहन? इन्होंने भी बोला है ना कि अगर ये भी ऐसा अपने चैनल पे करेंगे तो अच्छा लगेगा। लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। तो कंप्लीट तो करने दो यार। तो मेरे कहने का मतलब है आई एम थिंकिंग टू वेयर साड़ी। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे पास लाखों वाली साड़ी है, बहुत एक्सपेंसिव साड़ीज है मेरे पास, जो सालों से पड़ी है। पता नहीं ऐसे मैं हाथ में उठाऊं तो झड़ ना जाए, क्यों सालों से बंद पड़ी है यार। ठीक है, तो पहले मैं साड़ी पहनती थी। पहले मैं साड़ी बहुत पहनती थी, बहुत मतलब मुझे मेरे एक फ्रेंड ने गिफ्ट की थी 2-3 साड़ियाँ, तो वो तो बहुत ही एक्सपेंसिव साड़ीज हैं, उसमें ब्लैक कलर की भी है और बाकी मैंने बहुत सारी खरीदी हुई हैं। सो मेरे पास ऑन एन अप्रोक्स 250-300 साड़ियाँ हैं। अब आप समझ लो कितनी साड़ी है मेरे पास, लेकिन मैंने उनमें से शायद ही जुम्मे 2 या 4 ही पहनी होंगी। सो आई एम थिंकिंग कि मैं पहनना शुरू करूं। और जिन जिन लोगों के डिमांड थी कि साड़ी पहनो जैसिका, साड़ी पहनो, सूट पहनो, सो आई एम थिंकिंग टू कम इन ट्रेडिशनल फॉर्म। मैं चाहती हूं थोड़ा सा ट्रेडिशनल टच देने के लिए, क्योंकि बहुत फैंसी और ग्लैमरस लुक दे दिया। कौन कहता है कि साड़ी में लड़कियां खूबसूरत नहीं लगती? तो मैं तो बहुत ज़्यादा लगती हूँ। ये आपको देखना और बताना भी है कि मैं लगती हूँ कि नहीं लगती। अपनी नज़र में तो लगती हूँ, क्योंकि मैं जब साड़ी पहनती थी तो मुझे सब कहते थे कि जैसिका बड़ी प्यारी लग रही हो, तो यानी कि मैं लगती हूँ, है ना, मैं झूठ नहीं है फिर इस हिसाब से। हाँ देखो मैं पहनूंगी। और अभिनव को इसलिए कह रही थी कि वो करेगा नहीं करेगा क्योंकि मैं साड़ी पहनूंगी तो साड़ी और पेटीकोट तो पहनने सर, ब्लाउज तो पहनेगा नहीं। तो मैं कह रही थी कि तू भाई कुछ इंडियन वेयर पहन, मतलब ये एक अच्छे बनान उतार के कुछ फैंसी सा कुर्ता पजामा गमछा। वाई आई एम एडिंग गमछा, बिकॉज अभी आजकल ट्रेंड में लोग गमछा यूज़ कर रहे हैं। आप कहोगे और गमछा कौन पहनता है, बट थोड़ा सा स्टाइल देने के लिए वीडियोज़ में, तो गमछा लुक नाइस, अभिनव का गमछा वाला लुक। अब एक अंग्रेज जैसा दिखने वाला इंसान अगर धोती कुर्ता पहन ले, धोती हाँ धोती भी पहन सकता है। यशपाल, इफ़ यू नो यशपाल शर्मा, ही इज़ आ लाइक क्यूटी बंदा, मतलब ही इज़ आर फैमिली मेम्बर काइंड ऑफ, मतलब भाई जैसा है। तो हमारी एक फिल्म में वो थे यशपाल शर्मा, अगर आप देखना चाहते हो कौन सी फिल्म है तो मेरे ना चैनल के अंदर नीचे जाएंगे ना तो ब्लैक पैंथर पिक्चर्स करके अकाउंट है, चैनल है मेरा, उस चैनल पे जाके ना आप चेक कर सकते हो। हाँ मैंने मेरा बोल दिया, करेक्शन है दोनों का है भाई, हमारा। तो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो, यशपाल शर्मा हमारी फिल्म में काम कर चुके हैं। गुड फ्रेंड, गुड ब्रदर, सब कुछ, बहुत प्यारा बंदा। तो जब हम शूट के लिए जा रहे थे ना, तो उससे पहले हमारी फिल्म में कुछ कैरेक्टर ऐसा है कि जिसके अंदर ना धोती कुर्ता पहनना है, एंड पजामा नहीं, धोती कुर्ता असरानी जी के लिए था ना, है ना, हाँ असरानी जी,
असानी जी के लिए धोती कुर्ता था और यशपाल शर्मा के लिए था पजामा। अरे रुक जा, यशपाल शर्मा के लिए पठान सूट काइंड का था, तो आप जाके वो देखना वीडियो, आपको आइडिया आ जाएगा क्या बात कर रही हूँ मैं। तो मैं कुछ ऐसा ट्रेडिशनल बात कर रही हूँ अभिनव के लिए कि हाँ भाई तुम कुछ पहनो, है ना, टीका टुका लगाओ, थोड़ा इंडियन लुक आएगी तो वो फिर अच्छा लगेगा वीडियोस में। कुछ नया देते हैं इस बार वीडियो में, तो कौन कौन एग्री है, कौन कौन चाहता है जैसिका जो है वो साड़ी पहने, या अभिनव जो है वो कुर्ता पजामा पहने, या कुछ ना पहने, आप बता देना तो वैसा हम करेंगे। अब कुछ ना पहने वाला सीन तो नहीं कर सकते, पर कुछ पहनेंगे और बढ़िया पहनेंगे। सो लेट मी नो अगर आप देखना चाहते हैं तो, ठीक है। इससे पहले कि वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाए, मैं अपने बाल जो है बाहर फेंक लेती हूँ। कोई प्लास्टिक नहीं फेंक रही, कहीं बोलो अरे और गंदगी फैला रहे हो, बाल फेंके, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे जल्दी। आहान को लेने जा रही हूँ। इसको आज इसको कितना है जैनेट, अरे नीचे उसको निकलते ही है कि मेरी बहन कहाँ है, है आहान, चल देखो आइसक्रीम दिलाऊं, खाए पसीने पसीने हो रहा है, इधर से आ जाओ इधर से। हमने स्टेज लगा हुआ है शिवाजी जी का, कहाँ गया, इतनी स्केटिंग कर ली कि पसीने छुड़ा दिए स्केटिंग में इसके। कौन सी खानी है, कप वाली ले ले, दूसरी नहीं खा पाता। कप वाली ले दूं, ये देखिए अच्छी है, नई आई है, योगर्ट है बेटा, ऐसी होती है, चल आज खा ले मजे कर। दीदी घर पे है और हम ठूस रहे हैं आइसक्रीम, वीडियो देखेगी तो चिल्लाएगी। चल यार ले लो इसको, जा बेटा जल्दी। अरे नहीं है यार गंदा, कोला है बेटा, जो तुम जीरा कोला है वो जो थम्स अप पीते हो ना, मसाला वाला। वेलकम अभिनव जेसिका जैनेट एंड आहान टू योर एमजी। मुझे मसाला वाला थम्स अप जीरा पसंद है। जीरा पी जा, पी जा आज, पी जा बाद में मत पियो। चल मैं जीरा नहीं पीता, हटो। मैं अपनी तो दूंगी नहीं, सोच के बैठो ना, पापा को दे दे, मेरे को नहीं पता, मैं नहीं ले रहा। आहान तुम लेके आयो आज खा लो, तो उस टाइम नहीं नजर आया था तुझे, कोका कोला दिए थी, कुछ जीरा नहीं, ये कोका कोला ही है, नहीं जीरा है। देख खा के देख, कोका कोला ही तो है। अरे बहुत टेस्टी है आहान, मिक्स है ये। खा ले इतनी तो बढ़िया है, मसाले वाला टेस्ट आ रहा है। इतने सारे पक्षी उड़ रहे हैं, ये कबूतर है ना, ये हनुमान मंदिर के ऊपर जाके बैठते हैं सारे, लेकिन अरे जहाँ पे कबूतर बैठते हैं वो जगह ना अच्छी नहीं रहती, हनुमान जी का क्या ही बिगाड़ेंगे कबूतर, है ना। साइड में बच्चा बैठ के देख रहा है, ऑटो में था, सच में अलग है एकदम डिफरेंट। मुझे आइसक्रीम वाली बहुत अच्छी लगती है, बर्फ वाली। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। मियां कराते मीरू ब्याह, जय जय राधे राधे। किसने
जय भारत, हम सब सब बोलेंगे जय भारत माता की, जय भारत माता की, जय महाराष्ट्र, बोला जय महाराष्ट्र, बोला जय महाराष्ट्र। अच्छा, इतना गुस्सा कि एक भी टेक्स्ट का रिप्लाई तक नहीं किया। ठीक है, फिर मुझे तुम्हारा प्यार भी पता है, सच सच बताना। लास्ट सीन कितनी बार चेक किया? क्या खा रहे बेटा? कुछ नहीं, जले खा लो, जले नहीं है, ओवर थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुक्ड है, खा लो, बाबा ने बनाया।